ये ईरो ईसीएम है, इसके अंदर इंजेक्टर को ऑपरेट करने के लिए सेक्शन बनाया गया, मेन रिले को ऑपरेट करने के लिए ये बनाया गया, फ्यूल पंप को ऑपरेट करने के लिए सी, और रेडिएटर फैन को चलाने के लिए इस आईसी का इस्तेमाल में लाया गया। ठीक है, आपकी इग्निशन सप्लाई यहाँ रिसीव होती है और सप्लाइयाँ क्रिएट हो 5 वोल्ट 3 वोल्ट, उस क्रिएट होने में ही आईसी हेल्प करती है। ईसीएम के अंदर जो खराबी आती है, जो प्रॉब्लम आती है, तो वो इस सेक्शन के अंदर ज़्यादा आती है, क्योंकि यहाँ पर हाई वोल्ट लगातार आते रहते हैं। बात कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ये है ग्राउंड हमारा, जो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से आया है, और ये ग्राउंड हर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर एक साइड में जरूर मिलेगा। जैसे कि ये कैपेसिटर का सिंबल है, तो इसका एक साइड पॉजिटिव है, एक साइड ग्राउंड है, तो ये वाला ग्राउंड अगर कंटिन्यूटी रेंज पर मीटर को रखे हम, और कनेक्टर C50 की पिन नंबर 6 और 7 और किसी भी कैपेसिटर पर रखते हैं दूसरी तरफ, तो वहां बीप की आवाज आएगी। बात क्लियर? चाहे वो ये ग्राउंड हो, चाहे ये ग्राउंड हो, कोई सा भी ग्राउंड हो, तो इसके बाद साथ में कनेक्टिविटी आनी चाहिए। इसके बाद पहले तो ये चेक करेंगे हम कि ग्राउंड को पूरे मदरबोर्ड में कैसे चेक किया जाता है और कहाँ कहाँ पर ग्राउंड होता है। दूसरी बात, जो 12 वोल्ट की सप्लाई ईसीएम को दी गई है, तो वो सप्लाई कनेक्टर कपलर C51 की पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 के जरिए से 12 वोल्ट अंदर एंटर होते हैं। यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है, ये डायोड रेक्टिफायर डायोड है, और यहाँ पर जो भी वोल्ट आए, चाहे वो 12 वोल्ट हो, चाहे 13 वोल्ट हो, जब ये फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है, तो जब पास करेगा तो यहाँ पर 0.7 वोल्ट कम हो जाएंगे। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर 12 वोल्ट है, और यहाँ जब चेक करेंगे तो यहाँ पर 11.3 वोल्ट रिसीव होंगे, तब इसे हम ठीक मानेंगे। ठीक, अगर ये बिल्कुल पास नहीं कर रहा है तब ये खराब माना जाएगा, और शॉर्ट भी खूब होता है ये। ठीक है, इसी तरीके से देखें हम कि G01T7 से भी 12 वोल्ट एक डायोड पर आते हैं, ये भी एक रेक्टिफायर डायोड है, और ये जो भी इसमें वोल्ट आएंगे, तो यहाँ पर भी 0.7 वोल्ट कम हो जाएंगे। तो अब इसके नीचे दोनों को मिला दिया गया है आपस में, यानी कि अब वोल्ट यहाँ से कॉमन हो जाते हैं, यहाँ से अलग अलग एंटर हुए थे लेकिन यहाँ आके कॉमन हो जाते हैं। अब पहले हम जो C51 ये वाली लाइन देखते हैं, जब हम यहाँ पर आए तो एक डायोड हमें रास्ते में मिला, जो अमूमन हर ईसीएम के अंदर होता है, तो हमने ये देखा कि ये रिवर्स में लगा हुआ है, तो इसके 12 वोल्ट जो है या 11.3 वोल्ट जो है वो इधर नहीं आएंगे, ग्राउंड इधर का इधर रहेगा और इधर के वोल्ट आगे चल पड़ेंगे। फिर इस वोल्ट को फिल्टर करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का यूज किया गया, वोल्ट फिल्टर हो गए। इसके बाद अब सेक्शन शुरू होता है कि सप्लाइयाँ कैसे बनेंगी 2.5 वोल्ट की। तो ये जो 12 वोल्ट हैं वो एंटर होते हैं इसमें किस तरीके से, रास्ते में एक रेजिस्टेंस मिलती है R56, जो R56 है वो बहुत कम वोल्ट को रोकेगी, क्योंकि R56 का मतलब हो गया कि 0.56 ओम, 0.56 ओम, तो ये ना के बराबर ही वोल्ट को रोकेगी। ये मान लीजिए कि यहाँ पर 12 वोल्ट हैं वो एंटर होते हैं इसमें किस तरीके से, रास्ते में एक रेजिस्टेंस मिलती है R56, जो R56 है वो बहुत कम वोल्ट को रोकेगी, क्योंकि R56 का मतलब हो गया कि 0.56
0.56 ओम, तो ये ना के बराबर ही बोल्ट को रोकेगी ये। तो वो बोल्ट जो होते हैं, एक हमारे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, पीएनपी ट्रांजिस्टर। कौन सा ट्रांजिस्टर है? पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के एमिटर पर ये बोल्ट रिसीव हुए, ठीक। अब इसी बोल्ट को 2.5 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाएगा कैसे, यह है अहम पॉइंट। क्योंकि इसके बेस को, जब तक ट्रांजिस्टर है पीएनपी, इसके बेस को चाहिए सिग्नल आईसी से, ठीक है, आईसी से चाहिए इसको। तो यहां पर एक तो डायरेक्ट आएगी इसके बेस पर, ठीक है, फिर दूसरा सिग्नल फिर आ रहा है इससे, जो कि ये आएगा, और यहां एक रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर लिखा है 681, यानी कि ये रेजिस्टेंस हो गई 680 ओम की, और 680 ओम यहां लगी है जिसके जरिए से पल्स इस पर आएगी है, ठीक। जैसे ही यहां पर हम देखेंगे कि उससे तकरीबन 12 वोल्ट या 10 वोल्ट या 9 वोल्ट रिसीव होंगे, तब ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर एक्टिव हो जाएगा। तो ये इस तरह से बेस पर आने पर ये 2.5 वोल्ट आउट होंगे। जो बोल्ट आपके ईसीएम में लगे सीपीयू को और कुछ आईसी को और कहीं कहीं पर कैम सेंसर वगैरह को भी ये जा सकते हैं, यानी कि जहां पर भी 2.5 वोल्ट की जरूरत होगी तो वहां पर 2.5 वोल्ट पहुंचेंगे। इसके बाद ये सेक्शन देखा जाए तो ठीक इसी तरीके से इसे भी डिजाइन किया गया है, जैसा कि कनेक्टर G01 P7 पर 12 वोल्ट सप्लाई आई, और सप्लाई आने के बाद यहाँ पर रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है। रेक्टिफायर डायोड से वोल्ट फॉरवर्ड हुए और फॉरवर्ड होकर 0.7 वोल्ट कम हो जाएंगे, और इस तरीके से अगर 12 वोल्ट थे तो यहाँ 11.3 हो जाएंगे, 11.3 वोल्ट आगे आएंगे। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी है R56, यानी कि 0.56 ओम, तो ये वोल्टेज को ज़्यादा रोकेगी नहीं, ठीक है, पॉइंट में ही रोकेगी, 0.2 या 3 से ज़्यादा नहीं रोक पाएगी ये। तो अगर यहाँ 11.3 है तो ये समझो यहाँ पर 11 होंगे, तो 11 वोल्ट यहाँ पीएनपी ट्रांजिस्टर के एमिटर पर आ गए, और एमिटर पर आने के बाद इसी वोल्ट को कन्वर्ट किया जाएगा 5 वोल्ट में कैसे। यहाँ पर एक आईसी होगी IC677, तो इससे एक सिग्नल आएगा इसके बेस पर, और एक और सिग्नल आएगा जो रेजिस्टेंस 680 यानी 681 ओम है, तो ये 680 ओम हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी बेस पर सिग्नल आएगा, और बेस पर सिग्नल आने के बाद ये वाली सप्लाई जो कन्वर्ट होगी वो 5 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका है। अच्छा, ये रिसीव होगा तो ये 5 वोल्ट और 2.5 वोल्ट दोनों आउटपुट हो जाएंगे। 5 वोल्ट आउट होने के बाद इस 5 वोल्ट को फिल्टर किया जाएगा। फिल्टर के लिए कैपेसिटर लगा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, जो इसे फिल्टर करेगा, उसे रेगुलेट करेगा, वोल्टेज को बरकरार रखेगा, ठीक है, चार्ज डिस्चार्ज होगा, ये यहाँ से कई जगह पर जाएगी, ठीक है, इसका यूज किया जाएगा, आईसी को यूज किया जाएगा, सीपीयू में यूज किया जाएगा। तो ये बड़ी बुनियादी बात है कि सप्लाइयाँ जब नहीं होगी ईसीएम के अंदर तो ईसीएम काम ही नहीं करेगा, और जो शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आती है, अधिकतर प्रॉब्लम जो आती है वो सप्लाइयों की प्रॉब्लम आती है।